द्रौपदी देवी सांवरमल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को बसंत महोत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सबसे पहले मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर छात्राओं व अध्यापिकाओं ने मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर सभी शिक्षिकाओं ने पीला परिधान पहनकर तथा पीले बसंती फूलों द्वारा बसंत ऋतु का स्वागत किया। इस उपलक्ष्य में बालिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना नृत्य और कविताएं प्रस्तुत की गई। विद्यालय की प्राचार्य रंजना अग्रवाल ने बसंत का प्रकृति व जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मां सरस्वती का ही भंडार ऐसा है जो खर्च करने से बढ़ता है और किसी की मदद ना करने से ज्ञान पर जंग लग जाता है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ज्ञान बांटना जरूरी है। बसंत उत्सव हमारे विद्यालय में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा और अर्चना के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है। विद्यालय की सारी अध्यापिकाएं और सारी छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। आज के दिन हम माँ सरस्वती की खास पूजा करते हैं, जिसमें झांकी, नृत्य, कविताएं और स्पीचेस, भाषण के द्वारा हम ये इस उत्सव को बहुत ही अच्छे तरीके से विद्यालय में अपना मनाते हैं। और आज के दिन हम लोग कुछ साहित्यिक गतिविधियां भी रखते हैं माँ सरस्वती के आशीर्वाद से। मंगलवार को बसंत पंचमी के अवसर पर श्री लक्ष्मीकांत भगवान मंदिर नामदेव छिपा समाज सेवा समिति उतार घसेटी द्वारा मंगलवार को श्री लक्ष्मीकांत भगवान और संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के सभी महिला पुरुष, युवक, युवतियां और बच्चे बड़े उल्लास के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा उतार घसेटी स्थित मंदिर स्थल से प्रारंभ होकर घसेटी बाजार, खजाना गली, नया बाजार, सोनी जी के नसिया, महावीर सर्किल, आगरा गेट, पृथ्वीराज मार्ग, गांधी भवन चौराहा, मदार गेट, मुंदड़ी मोहल्ला होते हुए दोबारा मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर अध्यक्ष शिवचरण दोसाया ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया, आज हमारे नामदेव जयंती मनाई जा रही है साहब बसंत पंचमी के उपलक्ष्य के अंदर, और ये शोभा यात्रा उतार घसेटी मंदिर से घसेटी बाजार, नला बाजार, घी मंडी, नया बाजार, आगरा गेट होते हुए वापस जो है उसी जगह मंदिर पवार सर्किल होकर के और वापस मंदिर तक जाएगी सर। ये आज बसंत पंचमी है, हमारे नामदेव छिपा समाज की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि हमारे नामदेव क्षत्रिय समाज का जो मंदिर है वहां से वापस होते हुए नामदेव क्षत्रिय समाज मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आदर्श मंडल द्वारा मंगलवार को आदर्श नगर शिव मंदिर में विधायिका अनिता बदेल के सानिध्य में बसंत महोत्सव बड़े उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आदर्श मंडल की पदाधिकारी और कार्यकर्ता महिलाओं ने पीले वस्त्र पहनकर भजन गीत और नृत्य करते हुए पीले फूलों से बसंत ऋतु का स्वागत किया। महोत्सव में मंडल की कुसुम शर्मा, प्रभा शर्मा, वीणा गोयल, निर्मला शर्मा, सुषमा शर्मा, उमा शर्मा, रेशमा हिंगुरानी, सुरक्षा सोनी, कृष्णा सोनी, आशा झा, विनोद पाठक, सुषमा मित्तल सहित अनेक महिलाएं मौजूद थी। मंदिर के अंदर सभी महिला मंडल द्वारा बसंत पंचमी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी महिलाओं ने भजन प्रस्तुत किए गए, सभी महिलाएं नाचे कूद के फंक्शन मनाया गया बसंत पंचमी सरस्वती माता की वंदना करके। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आदर्श मंडल की ओर से बसंत उत्सव मनाया गया है, जहां सभी आदर्श नगर की महिलाओं को एकत्रित किए करके माँ शारदा, माँ सरस्वती जी की पूजा अर्चना की गई है और उसके बाद में जो है भजन गाए गए हैं। माँ शारदा जो है हमारी जो वाणी है उसको बहुत शुद्ध रखे, स्वच्छ रखे, मीठी रखे, और ये मीठी वाणी हर किसी के कानों में गुंजायमान हो करके उसको भी सुखद और सुख का एहसास कराए, ये माँ शारदा से आज महिला मोर्चा ने मांगा है। मंगलवार को माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी को वसंतोत्सव का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। गोल्फ कोर्स रोड स्थित रेलवे क्वार्टर में बिहार सेवा समिति द्वारा वसंतोत्सव मनाते हुए सर्वप्रथम ज्ञान, विद्या, कला और सुख समृद्धि की देवी मां सरस्वती की आराधना की गई। महोत्सव के दौरान पंडित श्री राम तिवारी के आचार्यत्व में हवन, यज्ञ और भजन कीर्तन प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक अमृत कलश और पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ने भी आयोजन में शिरकत कर धर्म लाभ कमाया। आयोजन सदस्य उमाशंकर वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन माँ सरस्वती देवी का महोत्सव मनाया जाता है। आज के दिन हवन, कीर्तन, पूजन और भंडारे का आयोजन है। माँ देवी सरस्वती ज्ञान की, विद्या की, कला की देवी हैं। तीनों देवियाँ जो हमारे हिंदू संस्कृति में लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का विशेष स्थान है, उसमें माँ सरस्वती का विशिष्ट स्थान इसलिए है क्योंकि ये ज्ञान देवी और समृद्धि और वैभवशाली देवी हैं।
और बिना ज्ञान का कोई भी कार्य नहीं होता है। आज के आज जो है सबसे पहले हम लोग जो है माँ सरस्वती की पूजा का आयोजन किए हैं, अभी हवन हो रहा है, फिर इसके बाद भंडारे का प्रोग्राम है। बसंत उत्सव आज से ही शुरू होता है और हर स्कूल कॉलेज गांव देहात शहरों में भी माँ देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। आज के दिन से ही आप महसूस करेंगे कि पूरे समस्त वातावरण में एक ऐसा बसंत खुशहाली भर जाती है, फूल पौधे पेड़ पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं सब खुशहाल नजर आते हैं और सबके ऊपर जो है एक मुस्कान और एक नई सोच नई जागृति पैदा होती है। और ये बसंत उत्सव आज के दिन से फिर होली का भी आगाज से शुरू हो जाता है और होली उत्सव में होली उत्सव भी जो है धूमधाम से मनाया जाता है। आज बसंत पंचमी का त्यौहार है और हमारे समस्त बिहार के वासी जो अजमेर में निवास करते हैं सब मिलकर इसका आयोजन करते हैं। अभी माँ सरस्वती की पूजन की गई है, अभी थोड़ी देर के बाद हवन का प्रोग्राम है और शाम में जागरण होगा। आज भंडारे का भी प्रोग्राम है, इसको हमारे समस्त बिहार प्रवासी जो भी यहाँ रह रहे हैं सबके परिवार का 200 फैमिली हम लोग यहाँ रहते हैं, सब मिलके इसका पूजन करते हैं। आप लोग पता होगा कि बसंत पंचमी बसंत का आगाज आज से हुआ है, ऋतुओं का राजा बसंत होता है और इस दिन हम लोग सभी होली का भी आगाज करते हैं। आज से होली का भी गान गाया जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद गुलाल वगैरह का प्रोग्राम होगा। कल हम विसर्जन करेंगे माँ की प्रतिमा को।